शिविन तो नींद आ गई और मैं दिखे हैं शिविन। कौन आया और कौन है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अब आज हमारा जो व्लॉग है वो है क्रिसमस व्लॉग और क्रिसमस स्पेशल व्लॉग। उसमें क्या है, अभी मैंने केक कर लिया है अपना तैयार। देखो मेरा केक मतलब स्पॉन्ज रेडी हो चुका है और विनय जी आने वाले हैं। 8:30 बज चुके हैं। एक्चुअली में क्या, मैं लेने के लिए नहीं गई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार मैं जाम में फंस जाऊंगी, तो इसके लिए ना आप खुद ही आ जाओ कि भाई हद मार, मतलब कितनी देर लग जाएगी, 1-1.5 घंटे का फर्क पड़ेगा। कैब से आओगे तो भी वही कह रहे, मैं इतना लंबा रास्ता है मैं बोर हो जाऊंगा, इसलिए मैंने तुझे कहा था कि तुम लेने आ जाइयो। बट मैंने उनको गोली दे दी मीठी मीठी कि मैं कोई बात नहीं भाई, आप आ जाओ। फिर तब तक क्या, मैं केक वगैरह तैयार करके रखती हूँ। अभी मैंने स्पॉन्ज किया है तैयार, मतलब अभी उसकी मैंने आइसिंग नहीं किया। आइसिंग मैं अभी नहीं करने वाली हूँ, आइसिंग इसको करूंगी आफ्टर दी 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, क्योंकि कम से कम इसको ठंडा होने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। वैसे तो ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम में मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटे में हो जाता है। तो इतनी देर में मतलब मैं 1-1.5 घंटे तक करती हूँ रेस्ट, खाने पीने की करते हैं तैयारी, क्योंकि आज आ रहे हैं बहुत दिनों के बाद हमारे स्वामी सेठ जी आ रहे हैं बहुत दिनों के बाद, मतलब 4 दिन हो गए उनको गए हुए। तो अब आ जाते हैं, तब तक हम खाने पीने की करते हैं तैयारी, जब तक हमारा केक भी ठंडा हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइस आपको थोड़ी देर के बाद, आप बने रहना हमारे साथ। सो गाइस, खाना हमारा बन चुका है और सेठ जी आने वाले हैं किसी भी टाइम। हमने बनाए हैं पुलाव जो कुकर में है और बनाई है आलू की चटनी जो तैयार हो चुकी है, और सेठ जी किसी भी टाइम आने वाले हैं। 9 बज चुके हैं, थोड़ा सा लेट है क्योंकि रास्ते में ऑलमोस्ट रश होगा, क्योंकि गुड़गांव वाले रोड पे वैसे ही बहुत ज्यादा रश होता है। तो वो आते हैं फिर आपको मिलवाते हैं उनसे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। चलो पापा का थैला लेके आता हूँ, चप्पल पहन के, चप्पल चप्पल, बिन चप्पल के नहीं जाना है। और भी गया क्या? हाँ गया। और यो तू क्या करने गया नीचे, है कौन है? बाय बाय पापा। अच्छा पापा आए हैं, पापा आ गए हैं। औरी कौन आया, कौन आया औरी? अच्छा पापा आ गए। ओरे इतने दिन हो गए, पापा कहाँ चले गए थे? गाइज हमारे ओरियो को भी पता लग जाता है कि हाँ पापा आ गए हैं। इसको वैसे ही स्मेल आ गई थी, पहले ही भागने लग गया था इधर से उधर इधर से उधर, कि पता लग जाता है कि हाँ अब मेरे पापा आ गए हैं। कौन आया ओरी? ओरी कौन आ गया? अरे कौन आया है? अरे कौन आ गया? ओरी कौन आया है? कौन आ गया? क्या है? तोहफा
इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। तोहफा 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 किस किस के लिए? आ जा, वेलकम होम। वो अभी उसको पता ही नहीं है अभी ये कहाँ चले गए थे। देख देख अभी भी मिल लो, खा ले खा ले, आराम से खा ले। अभी फिलहाल समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो गया एकदम से। पापा कहाँ से आ गए? चार दिन हो गए ना भाई इसको, अभी तो बैठा था इधर से। पानी दे पापा को। चलो कैसा रहा सेठ जी ट्रिप? कई सारे सारे सो गाइस सेठ जी हमारे आ चुके हैं, आपने देख लिया, आपको भी मिलवा दिया है हमने, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपना भरत मिलाप, ठीक है। अब हम खाएंगे खाना सब लोग बैठ के, क्योंकि भूख लगी है बहुत जोर से हम लोगों को, और पुलाव बन चुके हैं हमारे, आलू की चटनी बन चुकी है। अब हम बैठ के मारेंगे गप्पे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है। हमने बातें शाते नहीं की है क्योंकि हम फोन पे भी बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि गए थे बिजनेस के हिसाब से, तो काम के हिसाब से गए तो बातें तो होनी नहीं है। लेकिन आपको मिलवा दिया है हमने कि वेलकम हो गया है सेठ जी का, आ चुके हैं चार दिन बाद, और आज हमने केक भी बना लिया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि आज ही केक कट कर लेंगे रात को ही, है ना भाई, स्वीट्स में हमारे केक हो जाएगा। तो केक खाने वाले हैं मजेदार वाला, आपको भी खिलाएंगे, है ना। लो ठीक है, लायो सामान, जलेबी फाफड़ा। ये देखो हमारी गुजराती गुजराती डिश, ये है खाखरा, ठीक है। ये होममेड खाखरा है, मतलब ये शॉप पे नहीं मिलता, वो घर पे ही बनाते हैं, तो हमने ये मंगवाया है वहां से स्पेशल, ठीक है। शिव की बुआ ने भेजा है, आदि की बुआ ने भेजा है वहां से ये खाखरा, ठीक है। और क्या भेजा है? वो तो बात हो गई। अच्छा किटकैट भी आई है, चॉकलेट भी आई है, हमारे लिए कुछ नहीं भेजा, बच्चे के लिए भेजा है, है ना शिव। अब तुम्हारे लिए आ गए, मेरे लिए कुछ नहीं आया है, ठीक है। पापड़ तेरे लिए तो आएगा, पापड़, मैं तो पापड़ पुपड़ नहीं खाती, मेरे फरमाइश करी थी ने। तो ये पापड़ और ये वो गाठिया जो पापा खाते थे, आटा, ये भी मतलब काम करने वाली चीज है, आटा, ठीक है। ये इडली का आटा हमने वहां से मंगवाया है, हमने इडली का आटा भी मंगवा लिया, क्योंकि वहां पे क्या प्रिपेयर होके मिलता है, तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पानी मिलाओ और बेक कर दो, हो जाता है। ये लो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। सैंपल आ गया गाइस, ये इनका कपड़ा है, ठीक है। ये मैं सोच रहा मेरे लिए साड़ी, क्योंकि ऐसा ही है ना, कई बार वीडियो में कुछ का कुछ दिख जाता है, फिर भैया लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं, हाँ ये आया होगा जरूर। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड। अगर आज का ब्लॉग आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं आपको क्रिसमस वाले ब्लॉग में। बट क्रिसमस में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सिंपल सुपर तरीके से रहने वाले हैं, आई थिंक सो, क्योंकि कल मंडे है, तो हम शायद में भी घूमने जा सकते हैं, बच्चों को मॉल घुमा लाएंगे, बच्चों को मॉल दिखा लेंगे, मूवी में टाइम नहीं खराब करना, ठीक है। ओहो गाइस देखो हमारे बेटे का पेपर है, बहुत पढ़ाकू बच्चा है, लेकिन फिर भी आज घूमने गया था, ठीक है। तो अब हम कल देखते हैं कि क्रिसमस किस तरीके सेलिब्रेट करेंगे, वैसे कोशिश रहेगी कि हम बच्चों को घुमा लाएंगे मॉल में, क्योंकि इसके पापा की भी छुट्टी है और बच्चे भी हमारे समझदार हैं, बोले बच्चे को ले जाना, चलो ये वाला बच्चा हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। अब देख लो आपके वीडियो में इसने बोल दिया कि मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लड़का हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, इसलिए मैं घर पर रहूंगा, ठीक है। तो गाइस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। ओहो ओरियो की फेवरेट, बस और देख देख पापा तो मुंह लगा दे, तो नहीं पड़ेगी पापा।